उसके बाद से बाकायदा सर्वे के साथ साथ जो टेप और इंच के साथ जो नापा जाता है कि कौन सा कमरा कितने लंबे कितने चौड़ा है, इन तमाम चीजों की भी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। आपको एक और बात बता दें कि जो सूचना विभाग की टीम होती है, कैमरा टीम, उसको भी अंदर रखा गया है ताकि हर चीज सरकारी तौर पर दस्तावेजों के तौर पर दर्ज हो सके। कुल मिलाकर इस वक्त सर्वेक्षण जो तहखानों की हम बात कर ले आशुतोष, उसमें 50% यानी कि 50% पूरा हो चुका है। और जो तहखाने जिसे हम कहते हैं, दरअसल वो अगर हाँ। ज्ञानवापी मस्जिद का आप स्ट्रक्चर देखें तो मस्जिद पहले तल्ले पर है, ऊपर मस्जिद है और नीचे जो है वो तहखाने, उसमें 4 कमरे बने हुए हैं, यानी कि वो ग्राउंड फ्लोर के आप कह सकते हैं कि वो कमरे हैं। बिल्कुल, अभिषेक आप नजर बनाकर रखें, यानी कि 50% काम पूरा हो चुका है आज का सर्वे, 50% ये पूरा हो चुका है। अर्पिता भी हमारे साथ मौजूद है। अर्पिता, चूंकि ये मामला संवेदनशील है इसलिए लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आप देख पा रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद है या किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं, बताएं, अपडेट बताएं। आशुतोष, कल जब हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी तो वो मंदिर और मस्जिद जिस जगह पर है उसके बाहर, वहां से रिपोर्टिंग कर पा रही थी, लेकिन आज 300 मीटर की दूरी पर ऐसे ही देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सुरक्षा की आपने बात की है तो मैं जल्दी से आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए ये बैरिकेड यानी मीडिया कर्मियों को भी 300 मीटर दूर आज की स्थिति को देखते हुए कर दिया गया है ये बैरिकेड। पुलिस के जवान आपको खड़े नजर आ रहे हैं यहाँ, बाकायदा माइक पे थोड़ी थोड़ी देर पर यह ऐलान भी हो रहा है कि यहाँ भीड़ न जमाया जाए, जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं हिमांशु से कहूंगी, हिमांशु जरा उधर दिखाइए, वहां पर भी देखिए आपको जवान नजर आ रहे होंगे, यहाँ भी बैरिकेड आपको नजर आ रही है और बकायदा चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा रहा है, क्योंकि आपको बताएं यहाँ पर ये केवल ऐसा नहीं है, बनारस जो भी आया होगा या जो बनारस को जानता है वो बात अच्छे से जानता है। जल्दी से अपडेट ले लेते हैं अभिषेक के पास कोई अपडेट मौजूद है। अभिषेक, दोनों तहखानों के अंदर जो 4 कमरे हैं, क्या उनका सर्वे हो चुका है, पूरा सर्वेक्षण हो चुका है उसका? चलो रखो, अभिषेक आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जल्दी से दर्शकों को अपडेट पहुंचा दें, दोनों तहखानों के अंदर जो 4 कमरे मौजूद हैं, क्या उनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है या अभी जारी है? नहीं, अभी तक जो हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक जो मैंने अभी से 5-7 मिनट पहले अपने सोर्स के जरिए पता किया है, उसके मुताबिक ये है कि 2 कमरों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। एक हिंदू पक्ष का कमरा जिसमें कि दरवाजा नहीं था, जिसमें कोई चाबी नहीं थी, वो अगर आप मंदिर की तरफ से देखें तो जो नंदी के सामने का जो तहखाने का कमरा है उसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। जो मुस्लिम पक्ष के पास उनके पास तहखाने के 3 कमरे हैं, 1 कमरे का उसमें से सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, 2 कमरों का अभी सर्वेक्षण चल रहा है। यानी कि अगर आप तहखानों के लिहाज से देखें तो 50% काम तहखाने का हुआ है, लेकिन पूरे परिसर का अभी 50% नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद दीवारें हैं, खंबे हैं, बकायदा इन तमाम चीजों का सर्वेक्षण होना बाकी है और वो इन तहखानों का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद होगा। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है आशुतोष, लेकिन तहखाने का जो काम है वो इस समय चल रहा है। आपको बता दें कि कई टीमें इसमें लगी हैं, यहां तक कि जो सूचना विभाग की एक टीम है वो भी लगी है, बकायदा इंच फीता लेकर के उन कमरों को नापा जा रहा है, उनकी लंबाई नापी जा रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी चीज को छूने की मनाही है, यानी कि अगर कोई ऐसा प्रतीक वहां मिलता है तो उसे छूना नहीं है, सिर्फ उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी होनी है। तो कुल मिलाकर तहखानों में से 50% तहखाने का सर्वेक्षण पूरा है, यानी सबूतों से छेड़छाड़ ना करें, बस आप फोटोग्राफी करें और आप वीडियोग्राफी करें, यानी सबूत आप जो भी हो पेश करें। चलिए अर्पिता, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बीच लोग दर्शन कर पा रहे हैं क्या, या उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनको रोका जा रहा है या फिर कोई वैकल्पिक उनके लिए इंतजाम है, रास्ता छोड़ा गया? आशुतोष, यहाँ एक खास बात जरूर देखी जा रही है, आज जैसा माहौल है, जो संभावनाएं दिख रही थी उस लिहाज से सुरक्षा बढ़ाई गई है।